नमस्कार, एसजी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुनाफे वाला मंडे। जी हां, मुनाफे वाला मंडे हमारी एक खास पेशकश है जिसमें हम आने वाले नतीजों के बारे में, जो हफ्ते में आने वाले नतीजे होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। कैसे नंबर्स आ सकते हैं, उन नंबर से पहले आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन इस बार का जो मुनाफे वाला मंडे है थोड़ा खास है, थोड़ा अलग है। पिछली बार के जो अब तक के हमने मुनाफे वाले मंडे शो आपको किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। इस बार हम आपको वो स्टॉक्स बता रहे हैं जिनके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं और खास तौर पे उन स्टॉक्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं जो कि हम ही ने आपको बताए थे कि जिनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। जी हाँ, मैं उन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो हर रोज 10 बजे हम रिजल्ट सीजन के दौरान आपके सामने रखते थे। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। जी हाँ, ये वो सेगमेंट है जिसमें हम कैश सेगमेंट के स्टॉक्स के बारे में आपको बताते थे जहां पे नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। नंबर से पहले आपको बताया जाता था और अमूमन ज्यादातर कंपनियों में वैसा ही रुझान देखने को मिला है, खासकर कैश वाली कंपनियों में जहां पे नंबर्स अच्छे रहने की उम्मीद थी। नतीजों से पहले आपको वो स्टॉक्स बताए जाते थे और नंबर्स आने के बाद वहां पे एक्शन देखने को मिलता भी था। इस खास सीरीज में, इस खास सेगमेंट में आज आपका हमारी मदद करने के लिए मेरे साथ ट्रेड स्वीप ब्रोकिंग से संदीप जैन साहब शामिल होंगे। उन स्टॉक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कि आपको नतीजे आए, कमाई कराए में बताए गए थे और इनफैक्ट प्रदर्शन कैसा रहा, जिन लोगों ने मेहनत के साथ वो स्टॉक्स निकाले थे जिसके अंदर आपने उस स्टॉक्स में असर आता हुआ देखा भी, आपने अच्छी कमाई करी भी। जी हाँ, जी बिजनेस की जो रिसर्च टीम है उनके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। मेरे दो सहयोगी रिसर्च टीम से शामिल भी हैं, मेरे साथ देवांशी मौजूद हैं, मेरे साथ कुशल मौजूद हैं। इन्होंने जब नतीजे आने वाले थे तब तो मेहनत करके आपको बताया कि हाँ नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। अब इन्होंने वो रिसर्च भी निकाली है कि जहां पे नंबर्स अच्छे आए थे, नंबर्स के बाद जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था, जहां आपकी कमाई हुई है, कितनी कमाई हुई है, उसका पूरा ब्यौरा लेके मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। और अब भी क्या उन स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके हैं, क्या उनको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, उसके बारे में हम संदीप जैन साहब से राय लेंगे। जैन साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत, मैं आपके पास आऊंगा। पहले मेरी जो रिसर्च टीम है मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, दोनों का, देवांशी और कुशल का। आपका शुक्रिया भी, आपने जो काम किया पहले तो कमेंडेबल था, जिस तरह से आपने पहले ही नतीजे आने से पहले ही स्टॉक्स आप बताए हैं कि नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। पहले तो मैं हिट रेशो जानना चाहूंगा, जो स्टॉक्स हमने बताए हैं कितने स्टॉक्स बताए गए थे, कितनों के नतीजे हूबहू वैसे ही आए जैसे हमने बताया था और किस तरह के रिटर्न्स उसने डिलीवर किए हैं, तो आप में से कौन वो शौर्य गाथा सामने रखेगा? जी मैं रखूंगा सनी। प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा, इस बार के नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे हमारी सेगमेंट का। 84% है हिट रेशियो इस बारी ओवरऑल, तो मतलब हमने कुल फर्स्ट जुलाई के पहले हफ्ते से आई थिंक हमने शुरू किया था ये सेगमेंट और 14 अगस्त तक हम ये सेगमेंट में शेयर्स देते रहे और उसमें से कुल हमने 37 शेयर ऐसे रेकमेंड किए थे नतीजे आएंगे कमाई करेंगे, जिसमें से 31 शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो हमारा हिट रेशियो 84% रहा। चलिए, आपकी जो शौर्य गाथा उसको सलाम है और उसी की वजह है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सिटी और सीएलएसए ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा है कि सिर्फ 59% और 49% जो वो अनुमान कर रहे थे उनसे बेहतर उनके नतीजे आते हुए देखे। कुशल आप सुनिए, जैन साहब आप भी सुनिए, ये देखिए, ये देवांशी हमारी रिसर्च टीम में ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट को कवर करती है, ये सीएलएसए सिटी को बहुत कीनली वॉच करती है और अब ये जो इशारा कर रही है ना, ये कहने का मतलब इनका ये है, एक मिनट देवांशी, नहीं मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ आप लोग एक्साइटेड है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैन साहब ये हाईलाइट ये कर रही हैं कि हमारी जो जी बिजनेस की रिसर्च टीम है, हमारा जो यूनिवर्स है, इनफैक्ट हमारा यूनिवर्स तो किसी भी ब्रोकिंग हाउस से बहुत बड़ा है, हमारे जो हिट रेशो है वो 84% के हैं और सीएलएसए ने जो हिट रेशो बताया है जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं, कम नतीजे इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं, उसमें से अगर हमारे नतीजे अच्छे आए तो ये काफी बेहतर हो सकता है, ये मैं कह रही थी, ये नहीं कह रही थी हिट रेशो बहुत अच्छा है सर, ये कह रही थी कि कम अच्छे नतीजे आए उसमें से भी हमने कैश मार्केट के वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पे नतीजे अच्छे आ सकते हैं। चलिए बढ़िया है जैन साहब, ये जो शो हम कर रहे हैं इसमें एफएनओ के स्टॉक्स की बात हम नहीं करेंगे, केवल जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उनके ऊपर हमने चर्चा करी थी। इनफैक्ट एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर चर्चा काफी ज्यादा हो जाती है, उनके नंबर्स कैसे रह सकते हैं, उनकी रिसर्च किस तरह के नतीजे कैसे आएंगे उसके ऊपर बहुत चर्चा हो जाती है, लेकिन ये जो कैश वाला सेगमेंट है जहां पे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें काफी इंटरेस्ट रहता है, उन स्टॉक्स को हमने केटर करने की कोशिश करी और इस बार चूंकि हमने थोड़ा इस बार इसको स्ट्रीमलाइन भी किया था पहली बार के मुकाबले, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं। पहले सर, ये जो फॉर्मेट है उसके ऊपर आपकी राय और पहले आपका स्वागत है बहुत-बहुत। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। देखिए बहुत सारे शोज करते हैं और काफी सारे स्पेशल शोज किए और ये मुनाफा वाले मंडे भी बहुत सारे किए, बट ये मेरे लिए भी काफी स्पेशल है। रीजन बीइंग देखिए, ये कैश मार्केट के जो स्टॉक्स और इनमें से जो लिस्ट है उनमें से कई सारे स्टॉक्स मेरे काफी रेकमेंडेड लिस्ट में से है और मैं ये कहूंगा कि 84
परसेंट का हिट रेशियो वाकई में बहुत बेहतरीन है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरी अगर आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो रिसर्च तो सर्टनली एक बड़ा रोल प्ले करता ही है, साथ में रिजल्ट्स के दिन जो अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट या फंडामेंटल एनालिस्ट आते हैं और साथ में अपना जो वो एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट का भी तरीका बताते हैं तो वो सारा पूरा 100% हो जाता है। और जिस तरीके से रिजल्ट्स के पहले ही बताते हैं कि अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, और ये लिस्ट मैंने एक्चुअली में देखी है, जैसे कि जेके लक्ष्मी सीमेंट का नाम लो या गुजरात गैस का नाम ले या इपका लैब्स का नाम ले, ये सारे स्टॉक्स के बारे में बहुत पहले ही डिस्कशन हो चुका है और वाकई में कोई लोग लेते तो मैंने वो भी डेटा उस तरीके से ही, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पूरी रिसर्च की है वो मुझे दिखता है और मैंने शीट जब रिसीव की और बाकी और भी एक दो चीजें मैंने ऐड की है जो कि शो के दौरान हम डिस्कस करेंगे और व्यूअर्स को फायदा मिलेगा। चलिए तो हमने सर्च किया जिन कंपनियों के नंबर अच्छे आ सकते हैं वो आपके सामने रखे थे और यही जो 37 शेयरों की लिस्ट है ये हमने जैन साहब के सामने रखी थी, उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से सर्च किया यानी कि रिसर्च किया और उस मंथन के बाद जो शेयर निकल के सामने आए हैं उन 37 शेयरों में से कुछ 7 बेहतरीन ऐसे आइडियाज हैं जो कि जैन साहब ने पिक किए हैं। हमारी जो 37 शेयरों की लिस्ट है उसमें से 7 शेयरों के ऊपर इन्होंने मोहर लगाई है तो उन शेयरों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं इनफैक्ट पहले अपनी रिसर्च टीम को जोड़ना चाहूंगा। पहला नाम है इस पूरी लिस्ट में जो कि जैन साहब को भी पसंद है वो है गुजरात गैस का। आप में से कौन बताना चाहेगा गुजरात गैस के बारे में, जिसके नंबर्स कैसे रहे थे? इसके नंबर्स आप ही ने निकाले थे, ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो एक्सपर्ट, और आप ही ने कहा था जिस तरह से नंबर्स आने वाले हैं। मेरे पास टाइम कम है, अगर आप नतीजे जल्दी बताएं तो आप देखिए करीब 12.5% तक के रिटर्न यहाँ पे नतीजे आने के बाद आते हुए दिखे थे और नतीजे भी काफी बेहतर ही आते हुए दिखे थे। आय करीब 48% बढ़ती हुई दिखी थी, वॉल्यूम्स काफी बेहतर थे और जो कामकाजी मुनाफा है करीब 90% तक बढ़ता हुआ दिखा और मुनाफा 92% बढ़ता हुआ दिखा था। तो इस बार अगर सालाना आधार पर और क्वार्टरली बेसिस पर देखे तो नतीजे काफी बेहतर थे, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे और इनफैक्ट इस बार एक अपग्रेड भी आया था मुझे सही याद है क्योंकि सीएलएसए की बात में देवांशी को देखता हूं तो मुझे सीएलएसए और सिटी पहले याद आते हैं। मुझे याद है सीएलएसए ने इसको अपग्रेड किया था स्टॉक को 220 रुपए का लक्ष्य शायद उन्होंने बढ़ाकर दिया था 200 के ऊपर है ये मुझे। हाँ तो जैन साहब 220 रुपए का टारगेट आया था, नंबर्स अच्छे आए थे, स्टॉक चल भी चुका है, क्या अब भी दमखम है जिस तरह के फंडामेंटलिस्ट स्टॉक है इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? या बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप ऑन एयर प्राइस जो 163 के लगभग थी जब रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद पोस्ट रिजल्ट हाईज 182 के बनाए हैं और आज भी प्राइस 184 है, आप देखिए किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है इतने वॉलेटाइल सिचुएशन में, जिस तरीके के वाइल्ड फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं और सेंटिमेंट्स बहुत ही वेवरिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक कंसिस्टेंसी के साथ डटा रहा है और जब इतने दिनों के बाद अच्छे रिजल्ट्स के बाद अगर ये प्राइस बनी हुई है तो इसका मतलब रिजल्ट्स को मार्केट ने पचाया है और कहीं ना कहीं एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा, तो मुझे लगता है कि और रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग थे, मतलब वाकई में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स थे, तो मैंने टारगेट कंजर्वेटिवली फिर भी, क्योंकि मैं अब थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट्स पिछले कुछ शोज से देने लगा हूं क्योंकि मार्केट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं, तो 210 का टारगेट मेरे हिसाब से आने वाले 6-9 महीने में ये स्टॉक दिखा सकते। नहीं सही बात है, आपकी कंजर्वेटिव टारगेट देने चाहिए, मुनाफा आना भी चाहिए निवेशकों के पास और इनफैक्ट वो बुक भी करें ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं और यही कारण है कि आप कंजर्वेटिव टारगेट दे रहे हैं, ये अच्छी पहल है आपकी तरफ से, मैं तो आपको इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा और कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा इस चीज के लिए कि आप निवेशकों के बारे में सोचते हैं, उनके हितों के बारे में और मुनाफा बुक करें, वो बुक कर पाए, मुनाफा एंजॉय कर पाए ऐसा आप सोचते हैं। चलिए इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा नाम इस लिस्ट में था जेके लक्ष्मी सीमेंट का, जैसे जैन साहब बता भी रहे थे। कुशल आपके पास इसके नतीजे हैं, नंबर्स कैसे आए थे और स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया था पहले ये बताइए। जी नंबर्स के हिसाब से डेफिनेटली बहुत शानदार नंबर्स आए थे, इनफैक्ट अगर आप मुनाफा देखेंगे ना तो उधर 14 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने बेस का फायदा हर नंबर्स में था तो यस एग्जैक्टली तो इसमें भी ये जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी ये साफ साफ दिखा, इनफैक्ट अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वहां पे 6.5% की बढ़त हुई, करीब 16.3% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए थे इस तिमाही में, एंड ओवरऑल हमारा जो रेकमेंडेड प्राइस था जब हमने ऑन एयर इसको डिस्कस किया था नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में तो वहां पे 346 रुपए के भाव पर किया था, एंड ओवरऑल करीब 2-2.25% का रिटर्न निवेशकों को दिया था इन्होंने, क्योंकि जब नतीजे आए थे एक्चुअली उस टाइम पे जो हाई किया था वो करीब 354 रुपए का था, तो ओवरऑल 2-2.25% का रिटर्न दिया था। अब संदीप जी बताएंगे ओवरऑल की
कैसा परफॉर्मेंस आगे रह सकता है। जैन साहब 37 शेयरों में से 14 शेयर ऐसे थे, ये 2% वाला स्टॉक था, क्योंकि सीमेंट में ज्यादातर प्राइस दिन था कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, इसलिए स्टॉक चल भी गया था। इनफैक्ट ज्यादातर सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन आ भी गया था। इन 37 में से 14 शेयर उस श्रेणी में आते हैं जिनमें 2-5% के रिटर्न देखने को मिले थे। अब भी अगर आप देखें, जब नंबर्स आए उसके बाद ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में नहीं देखने को मिला है, तो वैल्यूएशन वाइज भी कम्फर्ट है, नंबर्स तो अच्छे आए थे। या बिल्कुल, कई बार यही चीज पॉजिटिव भी हो जाती है। देखिए पिछले स्टॉक में जब डिस्कशन करा था वो चीज एक एडवांटेज की तरह बताए थे, और अब ऐसा लगता है कि देखिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं लगता है, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ हुआ है और ऊपर जाके अब ये नीचे आया हुआ। रीजन बीइंग देखिए मार्केट्स के साथ और कुछ अल्ट्राटेक सीमेंट में जब एक गिरावट आई थी तो कई सारे सीमेंट स्टॉक्स चपेट में आए थे, और मैंने रिसेंटली आपके साथ स्पेशल शो जब लास्ट वीक किया था तो हेडलबर्ग सीमेंट भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है। मुझे समाव ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया में इस कंपनी का जो प्रेजेंस है और जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में जो प्राइसेस और मजबूत हुए हैं रिटेल प्राइसेस, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी सीमेंट कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट ये आउटस्टैंडिंग वे में परफॉर्म की है। और भाव अब चूंकि ऊपर के हाई से करीब 300 अगर आप देखें तो 353-54 के लगभग ये पोस्ट रिजल्ट हाईज बनाए और वहां से एक करेक्शन भी दिखा रखा, और अभी शायद 326 के लगभग होगा, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि के हिसाब से निवेश करें, क्योंकि सरकार के जो इनिशिएटिव्स है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है उसका सर्टेनली अच्छा प्ले जो है डायरेक्ट इंफ्रा प्लेस की वजह है, आप सीमेंट प्लेस के साथ जाइए वो ज्यादा बेहतर होगा, और उनमें से एक अच्छी कंपनी है जेके लक्ष्मी, तो आराम से इस स्टॉक को लीजिए 380 के टारगेट। अच्छा, इस पूरे रिजल्ट सीजन के अगर आप हाईलाइट देखें ना, एक तो ये था कि हमने कुछ कैश वाले स्टॉक्स बताए थे जिनका रिटर्न रेशो या हिट रेशो बहुत अच्छा देखने को मिला था, लेकिन इस अगर आप रिजल्ट सीजन की खासियत देखें तो अपग्रेड्स के मुकाबले डाउनग्रेड्स ज्यादा थे, ऐसे सेक्टर्स की तादाद ज्यादा थी, नंबर ज्यादा था जिन्होंने डिसअपॉइंट ज्यादा किया, जिन्होंने ज्यादा निराश किया, जिसमें ऑटो भी था, और बहुत कम ऐसे सेक्टर थे जहां पे नंबर्स ओवरऑल पूरे सेक्टर में अच्छे देखने को मिले थे। उसमें से सीमेंट एक सेक्टर था और एक और सेगमेंट या सेक्टर था वो है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, खासतौर पर जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनीज हैं, उसमें एचडीएफसी लाइफ एक स्टॉक हमने आपको बताया था। देवांशी, आपके पास ब्यौरा है, नंबर्स कैसे थे और कैसे रिटर्न दिए इसने? एचडीएफसी लाइफ की हम बात करें, यहाँ पे भी नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे थे। आप देखिए जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस था वहां पे मार्जिन्स काफी बढ़ते हुए दिखे थे, और इसी सेगमेंट के चलते जो ओवरऑल नंबर्स हैं काफी बेहतर आते हुए दिखे। कुल मुनाफा देखे तो 12% तक बढ़ते हुए दिखे थे 425 करोड़ पर, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स अगर आप देखिए तो यहाँ पे करीब 30% के करीब यहाँ पे मार्जिन्स आते हुए दिखे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के 24% से बढ़कर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और साथ ही परसिस्टेंसी रेशियो या 13th मंथ एक साल के बाद कौन कंटिन्यू करता है ये भी जो रेशियो है काफी बढ़ता हुआ दिखा था, करीब 89% पे आता हुआ दिखा 85% से बढ़कर। और साथ ही आप देखिए जो प्रीमियम आया है वो भी बढ़ी है, करीब 5000 करोड़ थी उससे बढ़कर 6450 करोड़ के करीब रही है, तो इन ऑल सारे नंबर्स बेटर थे। 491 पे रिकमेंड किया गया था और रिजल्ट्स के बाद जो हाई लगाए स्टॉक में 511 था, अब तो 540 रुपए के आसपास के लेवल से 10% की रिटर्न उस समय डिलीवर किए थे, ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या जैन साहब नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा ये शेयर? बिल्कुल, देखिए वैल्यूएशंस तो देखिए अब कंपैरेटिवली महंगे हैं, बट एचडीएफसी पेडिग्री को सर्टेनली बेस्ट वैल्यूएशंस मार्केट में मिल रहे हैं, बाकी जो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, सारी ही एचडीएफसी एएमसी सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को, और हमेशा से एक बड़े आउट परफॉर्मर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी आता है मैनेजमेंट की क्वालिटी को लेकर, और लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, और आने वाले सालों में लाइफ इंश्योरेंस काफी अच्छा करेगा। अगर आप इंडिया में पेनेट्रेशन देखें टर्म प्लान्स की तो बहुत कम लगता है और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है, और इसका जिस तरीके से सरकार ने भी मुहिम चला रखी है काफी अवेयरनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ काफी फोकस है, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है, जिस तरीके का पेडिग्री है और जो ग्रोथ आ रही है, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें 3 साल की अगर प्रॉफिट कैगर देखें तो 15-20% की कैगर है, सेल्स की ग्रोथ भी इसी टाइप की करीब 28-30%, और कंपटीशन सर्टेनली है इस सेक्टर में, ऐसा नहीं है बट कंपटीशन को लीड करने में से ये कंपनी है, तो इसीलिए एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू भी मैंने लास्ट वीक रेकमेंड किया था, और एचडीएफसी लाइफ मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और बाय ऑफ डिक्लाइंस की रणनीति भी अपना है 600 के टारगेट के लिए। तो एचडीएफसी लाइफ और इसके अलावा ऐसे पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां जो कि काफी अच्छी हैं इन लेवल्स के आसपास, या तो फिर डिक्लाइंस पे इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये तो रही नतीजों की बात, लेकिन कुछ ऐसे नतीजे भी थे जिसमें फार्मा शेयरों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, और कुछ
जो बैंकिंग स्पेस की कंपनी उनके नंबर्स भी अच्छे आए थे। तीन शेयर हमने अभी तक बताए हैं, लेकिन चार स्टॉक्स अभी और बाकी हैं जो कि जेंस आपको पसंद है, जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इन पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुनाफे वाला मंडे। इस बार हम वो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं जिनमें नंबर्स अच्छे आ चुके हैं और उसके बाद आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तीन स्टॉक्स अभी तक हमने डिस्कस करें जो कि जेंस आपको पसंद है। इसमें गुजरात गैस है, एचडीएफसी लाइफ है और जेके लक्ष्मी सीमेंट है। इंश्योरेंस स्पेस से, खासतौर पे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से हमने एचडीएफसी लाइफ को डिस्कस किया था, लेकिन जनरल इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे। इसका ब्यौरा देवांशी के पास है। देवांशी, पहले तो बताइए हमने कब रिकमेंड किया था, कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला, नंबर्स कैसे रहे इसके? आप देखिए, एक दिन पहले ही रिकमेंड किया था जब नंबर्स आने वाले थे, उससे एक दिन पहले हमने रिकमेंड किया था। और दूसरे दिन ये शंका थी कि जो ओवरऑल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है। देवांशी, थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे इस समय। फिलहाल फिक्की में आरबीआई गवर्नर शक्तिदांसा दास कुछ कह रहे हैं, आइए पहले उनको हमारे जो खास पेशकश है उसकी ओर लौटते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे आईसीआईसी लोम्बार्ड का स्टॉक, मेरे साथ देवांशी हैं, वो बता भी रही थी। देवांशी प्लीज बताइए। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम था वो थोड़ा सा कम होता हुआ इसलिए भी दिखा था क्योंकि आप देखिए उनका जो क्रॉप इंश्योरेंस था वो उन्होंने बंद कर दिया था, यहाँ पे उनको थोड़े से लॉसेस होते हुए दिख रहे थे। लेकिन जो कंटिन्यूइंग बिजनेस है आप वहां पे देखिए वो काफी बेहतर ग्रो करता हुआ दिखा है। और इसके अलावा अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 7% मुनाफा इस तिमाही में बढ़ता हुआ दिखा था। और कंबाइंड रेशियो जो होता है यानी कि एक्सपेंसेस, जो कुल एक्सपेंसेस खर्च जो कंपनी करती है उसके और उसके सामने जितना इनकम यहाँ पे कंपनी को आया है वो काफी बढ़ता हुआ दिखा था। करीब 100% से ऊपर कंबाइंड रेशियो आया है 99% के सामने। तो यहाँ पे भी जो नंबर्स थे अच्छे थे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में जो जनरल इंश्योरेंस के जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए थे। उसमें भी आईसीआईसीआई के नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे थे। और एक दिन पहले जब नतीजे आए थे 19 जुलाई को, उससे एक दिन पहले हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। 4% ये स्टॉक चला था और वहां से भी, अगर जहां हमने बताया था वहां से करीब 12% के आसपास के रिटर्न स्टॉक डिलीवर कर चुका है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अब भी अच्छा लगता है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, इनफैक्ट मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो थीम है बेसिकली इंश्योरेंस, भले ही वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में बाकी अभी भी और बहुत जबरदस्त तरीके से फैलना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगी। और बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार भी इस चीज इस मुहिम के पीछे लगी हुई है। और देखिए किस तरीके से डिमेटलाइजेशन हो रहा है इंश्योरेंस पॉलिसीज का, किस तरीके से लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जो अवेयरनेस आया है और दूसरे जो इंश्योरेंसेज है होम इंश्योरेंस और हर चीजों पे ही लोगों का बहुत बड़ा रुझान आया एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ये बिजनेस भी बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। इनफैक्ट हम लोग भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है तो हम लोग काफी जनरली जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है इस पर्टिकुलर चीज पे काफी फोकस करते हैं क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, बाद में दूसरी चीजें आती है, पहले रिस्क मैनेज करें फिर आप वेल्थ मैनेज करें, ये हम लोग जनरली सबको बताते हैं। और मुझे लगता है आने वाले सालों में इस चीज की और इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी आराम से। अभी अच्छे रिजल्ट्स आए ही हैं और आने वाले दिनों में भी आएंगे। और जिस तरीके से कंपनी की जो Tier 3 Tier 4 सिटीज में जो फोकस बढ़ा है तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छी ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। तो मुझे लगता है ये करीब यहाँ से 1380 तक के टारगेट आने वाले 6-9 महीने में दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है सर, स्टॉक्स तो और भी थे डिस्कस करने के लिए जो कि हमने आपके साथ शेयर किए थे। चार स्टॉक्स ही हम डिस्कस कर पाए हैं, 7 स्टॉक्स की लिस्ट थी जिसमें मैं नाम आपके सामने रख देता हूं। एक तो इपका लैब्स जो कि संदीप जैन साहब को पसंद है, एयू स्मॉल फाइनेंस और पीआई इंडस्ट्रीज, कुल मिला के 7 स्टॉक्स हैं जिनके नंबर अच्छे आए भी थे और आने वाले समय में भी आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देवांशी आपका और कुशल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। गुजरात गैस पहला नाम है जो कि जैन साहब को पसंद है, सीएलएसए को भी पसंद है, उन्होंने अपग्रेड किया था स्टॉक को। जैन साहब मानते हैं कि इसको आप होल्ड करते हैं तो 210 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ एक और नाम है जो कि 600 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की राय दी गई है 6-9 महीने के लिए। आईसीआईसी लोम्बार्ड और जनरल इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है, यहाँ पे 1380 का टारगेट है। इपका लैब्स फार्मा स्पेस की कंपनी, यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए थे 1050 के टारगेट साथ इसे अप्रोच कर सकते हैं। और सीमेंट एज अ स्पेस में नंबर्स सबके ही अच्छे आए थे, खास करके जेके लक्ष्मी सीमेंट इनको पसंद है, 380 रुपए का लक्ष्य है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नंबर अच्छे आए थे 780 के टारगेट के साथ इसे भी अप्रोच कर सकते हैं। और एग्री स्पेस से पीआई इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी उनको पसंद है, ज्यादा चला भी नहीं जब से नतीजे आए हैं, 1280 रुपए ये टारगेट प्राइस है जो कि 6-9 महीने के लिए इस स्टॉक के लिए सुझाए गए। तो कुल मिला के 7 ऐसे स्टॉक हैं
जो कि नतीजों के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 6 से 9 महीने में काफी अच्छे स्टॉक्स ये डिलीवर कर सकते हैं रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में। चलिए इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन थोड़े से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।